जी व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। तो आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, विशेस फुलफिल करना चाहते हैं, बहुत सारी विशेस हैं आपको लेकर के उनके। बस दो थॉट्स में वो थोड़े से जगल करें, क्योंकि उनकी आँखों पर पट्टी बंधी है, निश्चित ही पट्टी बंधी है। तो कुछ तो है उनके मन में, बिल्कुल पट्टी बंधने का कारण ये थर्ड पार्टी है, डोमिनेटिंग महिला है, ये लेडी जो है ना, उससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो उसने ऐसे चाल चले हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए सोच पाने में थोड़ा असमर्थ है, और उस लेडी ने उनके लाइफ में टावर ला के रखा है, उनके लाइफ को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसलिए ये बंदा अगर आपके साथ स्टेबल रिलेशन चाहता है, बहुत सारी विशेस होने के बावजूद भी वो उस पार्टनर के पास से, उस गंदी महिला के पास से निकले तो कैसे निकले वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इन्हें इनकी लाइफ में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ रोज़ झगड़े हो रहे हैं। बहुत कष्ट में है ये पार्टनर आपका, बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि उसने, उस महिला ने उनके लाइफ को हेल बना के रखा है और वो पार्टनर के लाइफ को बर्बाद करके रखी है। वो छुप के आपकी तरफ आना चाहता है, वो चुपचाप से मास्क पहन करके वो चुपचाप से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो आपके पास आए और कहे कि हमारा रिलेशन छुपा के रखना अभी, क्योंकि वो न्यू बिगनिंग करने की इच्छा रखते हैं, पास्ट की बातें सोच रहे हैं, आपके साथ बीते हुए समय को सोच रहे हैं, क्योंकि आज बहुत कष्ट में बंदा, रोज़ झगड़े, रोज़ लड़ाइयाँ, और इनसे बहुत परेशान है ये बंदा, बहुत बर्डन में। देखो हो सकता है घर की जिम्मेवारियाँ इसके ऊपर हो, या इसमें देखो मेरे गले में अचानक से कुछ हो रहा है। निश्चित ये थर्ड पार्टी ना कुछ गंदी क्रियाओं से लिप्त होगी, बिल्कुल है ये गंदी क्रियाएं करती है और आपके पार्टनर को बांध के रखती है। बर्डन में रहे बंदा इसके साथ बंधा रहे, उसको रास्ते ना मिले, वहाँ से निकलने के, आपकी तरफ आने के रास्ते ना मिले, ये कंडीशन हो गई है इसके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फिलहाल कप्स की एनर्जीज अभी तो नहीं आई हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मून। तो ये आपके कर्मा हैं, कुछ इसके साथ कर्मा थे, या कार्मिक है ये थर्ड पार्टी, कार्मिक है आपका पार्टनर। आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहा है, काफ़ी कुछ छुपा हुआ है आपके रिश्ते में, आपके इस थर्ड पार्टी ने काफ़ी कुछ जो भी किया है ना, काफ़ी छुपा के किया है आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर को अगर पता भी है तो वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ ना करूँ, उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे आपकी तरफ आने, जो कि पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आने के लिए, आप स्टार्ट करने के लिए। एंजल्स इन्हें गाइड कर रहे हैं, एंजल्स की गाइडेंस मिल रही है, आर्कएंजल माइकल एंड माता रानी और आर्कएंजल माइकल मिलकर के इनको गाइड कर रहे हैं आपके इस रिश्ते के लिए, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनको भेजा जा रहा है, इनके थर्ड आई को जागृत किया जा रहा है। इनकी फैमिली पैसे वाली हो सकती है, या फिर यूँ कहें कि ये महिला अगर इनकी वाइफ है तो इसने फैमिली में भी काफ़ी तमाशा मचा के रखा है, और कुछ ना कुछ तो है। आपका कर्मा भयंकर है आपके पार्टनर का इस महिला के साथ, कुछ प्लान हो रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है। ये थर्ड पार्टी कहीं ट्रैवल करना चाहती है आपके पार्टनर के साथ, वो प्लान कर रही है या फिर अभी ट्रैवल कर रही है। चीटिंग किया है इस बंदे ने, जिस तरह से आपके साथ चीट किया इस बंदे ने, उस थर्ड पार्टी ने भी सेम चीटिंग की है उस बंदे के साथ। और देखो ब्लैक एनर्जीज का यूज़ किया गया है आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों को बांध के रखा गया है, इस डेविल एनर्जी ने बांध के रखा है। उस थर्ड पार्टी के पास डेविल एनर्जीज की भी भंडार है, ये किसी थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी ने किसी के साथ मिल कर के, या यूँ कहें कि किसी जादूगर के साथ मिल कर के ये किया है, बावजूद इसके आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आपको इन्जॉयमेंट मिलने वाला है, और आपका पार्टनर चैरिट बन के आपके पास आएगा और वो आपके लिए स्टैंड लेगा। फिलहाल एनर्जी यही है, एनर्जी बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि गुरुपा का आशीर्वाद है। देखो गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो गुरुजी की एनर्जीज़ बहुत खूबसूरत सी एनर्जीज़ हम सबके पास हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमारे गुरुजी
जब हमारे साथ होते हैं तो किसी भी ब्लैक एनर्जी, वाइट एनर्जी और कोई भी एनर्जी कोई आके कुछ हमारा नहीं कर सकती है, कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो निश्चिंत रहो, इन एनर्जीज़ का हमारे सामने कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो बुरे होते हैं उनको संभालने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम चिंता ना करो। गुरु जी, जो गुरु जी को मानते हैं वो जानते हैं। मैं ये नहीं कहती क्योंकि मेरे व्यूअर्स सभी धर्म के हैं, तो मैं यहाँ धर्म के लेकर के वो नहीं कह रही हूँ कि आप इनको गुरु जी को मानो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने विश्वास की बात है। मैंने बस अपनी आस्था बताई है, मेरी आस्था गुरु जी में है और गुरु जी ने मुझे अब तक जो दिया है मैं भूल नहीं सकती। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको इस कनेक्शन के लिए, एंजल्स का क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेकर के। एंजल्स हेल्प करें, क्या गाइडेंस है आपका। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप सोच लें क्या आता है क्वेश्चन का आंसर। डोंट स्टॉप, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपकी सिचुएशन अभी थोड़ी सही नहीं है तो इम्प्रूवमेंट की ओर जाएगी, इम्प्रूव होगी। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, चूज़ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए नई नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। आप अगर डायरेक्शन चूज़ करोगे नया तो समथिंग बेटर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा। कुछ क्वेश्चन है तो यस और नो में ओके। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। अगला और भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, उसका भी आंसर निकालूंगी। ओके, उसका आंसर नो है। फर्स्ट में किसी ने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर यस था, और अगर सेकंड में किसी ने क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर नो है। ओके, तो देखते हैं अगला। रिकंसीडर, अगर आपके मन में कुछ ऐसा है तो उसको रिकंसीडर की ज़रूरत है। फिर से सोचो, फिर से ओके। रिकवर, बहुत लोगों की लाइफ में रिकवरी होगी, खोया है जो आपने रिकवरी होगी। कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है या कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, तो सोच समझ के जो भी करना होगा। कुछ और क्वेश्चन है तो सोच लो, उसका आंसर नो है। एंजल्स ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। ओके, इट्स अप टू यू। अगर आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया है जिसका आंसर नो आया है तो ये आपके ऊपर है, जो भी स्टेप्स लेना है सोच समझ के लोगे, बिग हैप्पी चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो एंजल्स बहुत सुंदर से क्वेश्चन के आंसर दिए आपको, एंजल्स ने दिया है। तो देखते हैं कि अब आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कुछ मैसेजेस मैं निकालती हूँ, रैंडमली पिक करूँगी। उसमें एंजल मैसेज भी हो सकते हैं, गॉड के मैसेज भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के मैसेज हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, सारे मिक्सचर हैं इसमें, सारा मिक्स है। ओके, तो मैं लेती हूँ सबसे पहला इनिशियल एस, और सिंह राशि आती है, गॉड प्रोटेक्शन। ओ माय गॉड, वेरी नाइस, गॉड का प्रोटेक्शन है आपको, आपके लिए, आपके ऊपर। ओके, योर एंजल इज अबाउट टू समथिंग बिग। आपके एंजल्स क्या कर रहे हैं ना कि आपके लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं। गॉड इज़ चेंजिंग योर फाइनेंशियल सिचुएशन। ओह, वेरी सुन, तो गॉड आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने वाले हैं, बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं। अगर अच्छी सिचुएशन नहीं है तो सब सही करने वाला। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। आपका पार्टनर कह रहा है कि उसने जो ट्रीट किया आपको वो गिल्टी फील कर रहा है उसके लिए। यू आर माई सन, माई मून एंड ऑल माई स्टार्स, 888 अबंडेंस, यानी आपकी लाइफ में आ रहा है। 888 का मीनिंग यही होता है, कॉल मी, कॉल करने कहा जा रहा है। ए इनिशियल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मिसिंग यू, प्लीज कॉल मी। मनी इज़ कमिंग योर वे लाइक वाटर। मनी आपकी लाइफ में आ रहा है पानी की तरह झमझमाता हुआ, बारिश होती है ना, तो उस तरह से मनी आपकी लाइफ में आ रही है।
आई विल मेक अ वे फॉर यू, आई एम फाइटिंग योर बैटल्स, प्रेयर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी मेडिसिन होती है प्रेयर। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके बैटल को वो लड़ेंगे, फाइट करेंगे आपके लिए, तो आप प्रेयर करो, केवल प्रेयर करो। ओ माई गॉड, गॉड लव्स यू, तो ईश्वर आपको प्यार करते हैं। दो, सॉरी गाइस, इसके साथ मैंने अभी जस्ट जो लिया था उसके साथ दो था, मैंने देखा नहीं था। एंसेस्टर्स मैसेज, डू नॉट फियर फॉर आई एम विद यू। ओ माई गॉड, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको फियर की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ हैं। तो एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको फियर की ज़रूरत नहीं। आई नीड टाइम फॉर मी, आपका पार्टनर कह रहा है उन्हें और टाइम की ज़रूरत। आई नो यू आर द वन फॉर मी, आप उनके लिए वन ही हो, यू आर नहीं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। हाँ बाबा, पूरे में फैलाओ टोल से। गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु आपकी लाइफ में है। ट्रस्ट माई टाइमिंग, गॉड्स टाइमिंग इज़ परफेक्ट। ओके, शायद बहुत लोगों की लाइफ टाइम आ चुका है लाइफ में, डिवाइन टाइमिंग। हाँ निश्चित ही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, तो गॉड कह रहे हैं कि आप उनके टाइम पे ट्रस्ट करो। उनका टाइम जो होता है, जो परफेक्ट टाइम होता है, उसी समय जो भी होता है सब परफेक्ट टाइम। एच इनिशियल, क्यू इनिशियल हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, एन क्यू फॉर क्या हो सकता है, ई ई फॉर आई डोंट नो। बट अगला गॉड का फिर से, गॉड सेज आई एम योर फादर, मैं आपका पिता हूँ। आई एम योर हीलर, मैं आपका हीलर हूँ। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई लव यू। ओ माई गॉड, वेरी नाइस। फेक पीपल, ओके, आपके आसपास फेक लोग हैं भाई, फेक पीपल हैं आपके लोग आसपास। आई लव यू, आपका पार्टनर आपको आई लव यू कह रहा है। यू आर माई फेवरेट पर्सन, आई मिस यू अ लॉट। ओके, कब से फेवरेट हो गया भाई, फेवरेट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। बहुत जल्दी समझ में आई, बैडली मिसिंग यू। ओके, डिड यू मिस मी, बंदा पूछ रहा है, डिड यू मिस मी। लव योर स्माइल, आपकी स्माइल उन्हें पसंद हो सकती है। करेजियस, आई मिस योर फेस, कभी आपकी स्माइल कभी आपकी फेस। ओके, प्रपोजल, बहुत लोगों को प्रपोजल आने वाला है, किसी भी तरह का प्रपोजल आ सकता है, करियर के लिए भी, लव प्रपोजल, किसी भी तरह का प्रपोजल। जेड, ई अगेन, ओ ऑफर ऑरेंज, मैं कार्मिक में सब निकल नहीं पा रहा। हाँ भैया, बैठे रहो कार्मिक के पास, तकिया और बिछावन लगा के। यू आर लकी फॉर मी, हाँ अभी समझ में आ रहा है, तुम लकी हो मेरे लिए। ओके, जे इफ यू हैव द एबिलिटी टू लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपको खुद को फर्स्ट में लव करने की ज़रूरत है। सी यू एन आर ओ, दुश्मन डरे हुए हैं आपके पावर से। हाँ डर के भी क्या कर रहे हैं, परेशान तो कर ही रहे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मिसिंग यू। एफ भाई, मेरे मन में अचानक से बहुत देर से ये सॉन्ग आ रहा है, मैं सोच रही हूँ आपको सुनाई दी, पूरी तरह से तो मुझे नहीं आता है। एज डिफरेंस, आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, निश्चित ही ट्विन फ्लेम्स के बीच में, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो या फिर सोलमेट हो, तो इनके बीच में एज डिफरेंस होते ही हैं प्रायः। ट्विन फ्लेम में जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो एज में बड़ी होती है, फेमिनिन एनर्जी जो भी होती है वो एज में बड़ी होती है, 4 से 5 सालों का डिफरेंस होता ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
आई मिस यू सो मच, तो मैं कह रही थी कि मुझे एक सॉन्ग बार बार मेरे मन में आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है बहुत लोगों के लाइफ में, बहुत लोग के कनेक्शन में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मैं ये सॉन्ग बता ही दे रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। कैसे है मतलब मेरे मन में ना वो बहुत देर से चल रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, करोगे कैसे निभाह हमसे, सॉन्ग देख लेना ज़रा। ए दिल, अब पता नहीं ये सॉन्ग मुझे पूछे, अब मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, पता नहीं मैं क्या बोल गई, मुझे नहीं याद आ रहा है पूरा सॉन्ग, तो प्लीज़ ये सॉन्ग ढूंढ लो आप लोग, मेरे मन में चल रहा है लेकिन मैं बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, सॉरी गाइस। करोगे कैसे निभा हमसे, ए दिल, बस इतना ही मुझे याद है, बाकी आप ढूंढ लो। सेपरेशन, ओके सेपरेशन तो हो गया ही बहुत लोगों के, आई लव यू करो सेपरेशन और आई लव यू करो, अभी समझ में आ रहा है, इडियट, डिवाइन टाइमिंग, मेरी ही रहना प्लीज़, और आप पूरे मोहल्ले के रहना प्लीज़, थोड़ चक्रा बिल्कुल, थोड़ चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे भी होने लगी है, यू आर माई लास्ट लव। मेडिटेशन करो, मैं आ रहा हूँ, बंदा आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन फंस गया है। बेस्ट फ्रेंड अपनी करनी का फल भोग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यू आर माई लास्ट लव अगेन, आई हैव टेकन डिसीजन फॉर यू, उसने डिसीजन लिया है, कुछ तो ले लिया है, लेट्स स्टार्ट अगेन, स्टार्ट करने का फिर से आपको कह रहा है, लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, बहुत जल्दी समझ आई भैया, थिंकिंग यू, थिंक कर रहा है आपके लिए। एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू, वो कनेक्शन का मतलब एंजल्स आपके कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं। यू आर एवरीथिंग आई एवर वांट इन लाइफ पार्टनर, ओके आई कांट बेयर दिस डिस्टेंस एनीमोर, वेरी नाइस, बीवेयर, हाँ बाबा सतर्क रहने की तो ज़रूरत है, बहुत सोच समझ के भैया। After separation, I am in extreme pain. बच्चा बहुत पेन में है, फिर से मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मैंने तो लेने लिया, अब छोड़ो, हो गया बस अब मैं नहीं ले रही, तू मेरी ज़िंदगी है, एक सॉन्ग आ गया डेयर, मुझे लग रहा था बहुत देर से सॉन्ग नहीं आया, एक तो सॉन्ग आया ना, ओके लव यू ले लूँ और ले लूँ, मेरी श्रासी, ओके थ्रोट चक्र आ गए डियर, थ्रोट चक्र को अटैक हो सकता है, किया गया होगा आपके, आई एम कमिंग प्लीज़ वेट कर लो, और वो घूमते रहेंगे मज़े से, वेट कर लो आप, और गिव मी प्लीज़, आई विल हील ऑल योर पेन, वो हील करेंगे आपके सारे पेन्स को, ओके मैं अब नहीं लेना चाहती, ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।